प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर पूर्वी दिल्ली डीएम ने लक्ष्मीनगर मेन मार्केट गेट और उसके आसपास के छोटे बाजार को बंद करने का दिया आदेश। डीएम ने अपने आदेश में इन सभी बाजारों को 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि एसडीएम की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीते रविवार को लक्ष्मीनगर और मंगल बाजार में दुकान ग्राहक और रेडी पटरी वालों ने डीडीएमए के निर्देशों का उल्लंघन किया। बाजार में आए लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, उचित दूरी भी नहीं बना रखी थी, जिसकी वजह से लक्ष्मीनगर, सुभाष चौक, रामदास नगर, जगत राम पार्क मंगलवार को 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया। डीएम के आदेश का पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार मार्केट में व्यस्त चल रही है। जो भी दुकानदार दुकान खोले उसे बंद कराया जा रहा है। मार्केट बंद करने के फैसले पर दुकानदारों ने एक तरफा फैसला इसे बताया है। दुकानदारों ने मार्केट में भीड़ रेडी पटरी वालों की वजह से हो रही है, जिसे हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है। असंतुष्ट है क्योंकि कार्य का रातों रात फैसला लेना ये गलत है। अगर कोई फैसला भी लिया जाता है तो पहले हर चीज़ की चारों तरफ से निगाह देखी जाती है। जब दुकानदारों के यहाँ बोनी नहीं हो रही दो दो तीन तीन बजे तक, तो उसका बेचारा दुकानदार का कसूर क्या है? अगर रेडी लगी है, प्रशासन लगा है, अगर जो प्रशासन की कमी है तो उसमें दुकानदार क्यों भुगते? पहले यहाँ पे ढाई ढाई तीन तीन महीने पहले लॉकडाउन लगा रहा है। आपका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रशासन की कमी का खामियाजा दुकानदार क्यों भुगते? बिल्कुल हम तो इस बात के लिए दुकानदारी के लिए ही हम भाई ये बात कह रहे हैं। और रातों रात अगर तुम डिसीजन ले रहे हो ये तो गलत तरीका है ना। रात को किसी ने अखबार पढ़ा या न्यूज नहीं पढ़ी, बेचारा दुकानदार अपना सुबह दुकान खोलने आया। और भी हमारे साथ लेबर भी है, और भी हर तरह का हमें टैक्स देना होता है। सिर्फ व्यापारी ही क्यों इस बात के लिए पीसा जा रहा है कि अदर मार्केट क्यों नहीं नजर आ रही है? सदर बाजार जाओ, करोल बाग जाओ, गांधीनगर जाओ, जहाँ पे मतलब इतना बुरा हाल है वहाँ पे तुम्हारी आंखें मिची हुई है। सिर्फ एक लक्ष्मीनगर ही ऐसी है। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं एक किराएदार हूँ, मतलब दुकान मैंने किराए पे ले रखी है। इस समय पोजीशन बहुत खराब है। डीएम साहब ने जो भी ऑर्डर दिया ये एक तरफा ऑर्डर है। आप लोगों को दुकानदार के बारे में भी सोचना चाहिए, आम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। हम पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ कर रही है। हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, सारी व्यवस्था हमारे पास है। पर ये जो पटरी और ये रेडी पटरी वालों की वजह से दुकानदार मुआवजा हटाने की किसकी जिम्मेदारी? ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। उनको पूरा हक है कि ये हटाने के लिए। अब इसमें दुकानदार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किराए पे नहीं है, ये सब रेडी पटरी वाले हैं। इसमें वो बहुत लिमिटेड है और ये किराए पे किसी ने भी नहीं दे रखी। दुकानदार अपने दुकान में काम करेगा, बाहर पटरी पे बैठ के काम करेगा। ये संतुष्ट मैं यूँ नहीं हूँ जी। इसको आप जब कोरोना काल था यहाँ पर, जब भी यहाँ पर आप आएंगे, विजय चौक से लेकर लवली पब्लिक तक रेडी बाजार हो गया था। दुकानें बंद थी, दुकानदार अपने घर में था, पर मार्केट के अंदर पूरा बाजार में रेडियाँ। अब भी मैं आपसे बोलता हूँ, 3 बजे के करीब आए, देखें यहाँ आप, चुपचाप देखें और आपको असलियत पता चल जाएगी। दुकानदार यहाँ 3-3 बजे बोनी कर रहा है, 4-4 बजे बोनी कर रहा है। दुकानदार के पास बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, ये सब देने हैं। उसके बाद भी दुकानदार को कोई राहत नहीं है सर। लेबर है। अब फिर हमारे पर गाज गिर गई कि ये बंद हो गए। लेकिन इतना सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ तक लग जाता, पर सर वो रेहड़ियाँ हैं और रेहड़ी दुकानदार क्या करेगा? अपनी दुकान देखेगा, रेहड़ी वाले से झगड़ा करेगा, रेहड़ी वाला झगड़ा करेगा, थाने जाके बैठ जाएगा। दुकानदार शटर को देखेगा, अपने गल्ले को देखेगा, किसको देखेगा, किससे झगड़ा करे? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है उनको हटाने की? दिल्ली प्रशासन की, दिल्ली पुलिस की। एसडीएम साहब ने सुना है 2 संडे यहाँ पर राउंड कराए, हम मानते हैं राउंड कराए, पर उन्होंने कभी दुकान के अंदर झांका घाक है कि नहीं है? उन्होंने सिर्फ रोड की भीड़ देखी और दुकानदार को पीस दिया। सिर्फ रोड की भीड़ के पीछे हम दुकानदार बंद? आपने दुकान के अंदर देखो, दुकान के अंदर ग्राहक है कि नहीं है? दुकान के अंदर ग्राहक नहीं है साहब, दुकानदार खाली बैठा है। अब आपकी एसोसिएशन के एसडीएम साहब के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगी कि मार्केट? हाँ, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 2-3 बजे के करीब सब इकट्ठे होकर एक बार हम जाएंगे एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, उन्हें दिखाएंगे। अब पहले रेहड़ियाँ लगती थी साहब पीछे, कुछ दिन पहले इस बाजार पे एक और वो हुई थी विपत्ता, ये टूटा था। हम लोगों ने 1.5-2 महीने यहाँ पर रोड पे रात को रोड रुपए अपने शटर खोल के सोए हम लोग, रात भर हम बाहर रहे हैं। अब फिर दोबारा विपत्ता हमारे पर ही आती है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली के बाजारों को नियम प्रोटोकॉल के निर्देश के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन कई बाजार लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में पूर्वी दिल्ली की डीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए यमुनानगर के सबसे बड़े बाजार में एक लक्ष्मीनगर मार्केट को 5 जुलाई तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।